गुड मॉर्निंग जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे मेरी सुबह की चाय बन रही है, तो चाय बन चुकी है, चाय डाल लेते हैं। और मुझे चाय लेकर जाना है छत पर, चाय भी वहीं पीऊँगी। और ये है बाजरा जो मुझे पक्षियों को डालना है, तो छत पर ही चलते हैं। तो यहाँ पे छत पर आ चुकी हूँ मैं, और बाजरा मैंने डाल दिया है पक्षियों को, और पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो सुबह सुबह अच्छी लगती हैं पक्षियों की आवाज़ें यहाँ पे। और मैं पी लेती हूँ चाय, और आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। वैसे तो तवा वगैरह रात को ही धोकर सोती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे वहम सा रहता है, तो इसलिए सुबह फिर से मुझे सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, तवा वगैरह भी। तो दूध उबल चुका है, बस अब नाश्ता बनाना है। आटा मैंने पहले ही गूंथ कर रख लिया था, और छोटे वाला बेटा सो रहा है अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए निकाल लेते हैं, और इस पर लगा देते हैं घी, और फिर इसके ऊपर रख देंगे मीठा। तो गौ माता की निकाल कर अब बना लेंगे अपने लिए, क्योंकि फिर फ़ोन बच्चों के पास चला जाएगा, क्योंकि बच्चों की क्लासें लगती हैं, तो फिर फ़ोन बच्चों के पास होगा और वीडियो बनाने का फिर टाइम नहीं मिलता। तो सोचा आज सुबह से ही वीडियो स्टार्ट कर दें, तो जैसा भी जो भी वीडियो बना है वो आप लोगों को दिखा दिया है। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और यहाँ पर मैं गौ माता के लिए रोटी लेकर बाहर आई थी, लेकिन इस टाइम गौ माता मुश्किल है नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह तो काफ़ी आती हैं गौ माता। और यहाँ पे मेरे दो गमले खाली हैं, तो ये बड़े वाले गमले में मैं छोटे वाले गमले में से पौधा निकाल कर इसमें लगा दूँगी, तो छोटे वाले में कुछ और लगा लूँगी। और यहाँ पे दो गमले हैं मेरे, एक में मैंने ये पौधा लगा लिया है, और दूसरा गमला फिर से एक खाली है, तो ऊपर से कोई भी पौधा लेकर मैं उसमें भी लगा दूँगी, क्योंकि खाली खाली अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे गेट के पास ही रखे हैं मैंने ये, और इसमें छोटे वाले में कुछ और लगा दूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से छत पे, और बाल्टी में यहाँ पे दो पौधे हैं, इसमें से एक निकाल लूँगी। और यहाँ पे बड्डी अंदर जाने के लिए, बस दरवाज़ा खुलना चाहिए इसे अंदर जाने के लिए, इतना वो। तो यहाँ पे गेट की तरफ भी आता है कि शायद बाहर निकाल दें मुझे। तो मैं ये पौधा ले आई हूँ यहाँ पे, और इसे लगा देंगे इस गमले में। जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? वैसे तो वीडियो सुबह से स्टार्ट है, लेकिन बच्चों के पास था फ़ोन, बच्चों की क्लास लग रही थी, तो अब हो रही है आपसे बात। तो कैसे हैं आप सब? का एक बच चुका है, और मुझे बनाना है दोपहर का खाना, तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे आपसे बात। बच्चों की क्लास भी ज़रूरी है, क्या करें, बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। बीमार हुई तब से मेरा ना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन वही बात है ना, खुद की इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन परिवार के लिए तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए भाई हम अकेले तो नहीं हैं, परिवार में हैं, तो फिर बच्चों के लिए और उनके लिए। तो चलिए फिर पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे आपसे बात। और अभी मुझे अलमारी भी सेट करनी है, क्योंकि तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। और चलो हम तो फिर भी अपने सलीके से रख लेते हैं कपड़े, लेकिन बच्चे वगैरह ऐसे ही निकाल देते हैं, कितना भी तह लगा के रख लो। तो बच्चों की अलमारी भी सेट करनी है, तो पहले खाना बना लेते हैं। दोपहर का एक बज चुका है, तो हम आ चुके हैं अपने रसोई घर में। थोड़ी सी दही पड़ी है, उसकी भी लस्सी बनाऊंगी। रोटी हमारी बन चुकी है, पहले बड्डी को दे आते हैं, छत पे है बड्डी महाराज, छत पे हैं, तो पहले उसी को देकर आते हैं।
तो चलिए फिर चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं छत पे। सीढ़ियों पे चलने की आवाज़ सुनाई देती है उसे, एकदम से खड़ा हो जाता है। बैठी बैठी बैठो बैठो। अच्छा 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 अच्छा। ओहो तूने खाई नहीं, इसने सुबह की भी नहीं खाई। तो बड्डी को देने के बाद अब अपनी भी लगा ली है हमने थाली। तो आज दोपहर के खाने में है दाल चावल दही और लस्सी। तो बड़े बेटे को दे दी है और अब अपने लिए भी लगा लेते हैं, दाल डाल लेते हैं इसमें। तो यहीं बाहर ही बैठकर खाऊंगी क्योंकि छोटे वाला बेटा और उसके पापा तो नहीं हैं, हम दोनों ही हैं। तो यहीं पे ही बैठकर खा लेते हैं सोफे पर रोटी और साथ के साथ ही टीवी भी देख लेते हैं। तो खाना हो चुका है, अब कर लेते हैं बर्तन साफ, साथ के साथ ही बर्तन भी साफ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों की अलमारी का हाल, पूरे कपड़े बिखरे पड़े हैं। इन सभी को मुझे करना है सेट। तो पहले बाहर निकाल लेती हूँ बेड पर सारे कपड़े, तो एक एक करके अलग अलग से करती जाऊँ क्योंकि टी शर्टें और जो सर्दियों के कुछ कपड़े थे वो भी इसी में ही मिक्स पड़े हैं क्योंकि बीमार थी काफ़ी दिन से। तो मैंने तो अलमारी खोल कर देखी नहीं, बच्चे अपने आप ही निकालते थे अपने आप ही डालते थे। तो सारे कपड़े आपस में मिक्स हो चुके हैं, इन्हें अलग अलग करके लगाऊँगी ताकि फिर पहनने में दिक्कत ना आए बच्चों को। कपड़े तो सारे सेट करके अलमारी में लगा दिए हैं मैंने। और ये है बच्चों की यूनिफॉर्म, क्योंकि स्कूल का तो कोई चांस है नहीं अभी, तो फिलहाल इसे बंद करके बेड में रख देंगे, जब स्कूल जाएंगे तब निकालेंगे। पूरा एक घंटा हो चुका है मुझे कपड़े सेट करने में और अलमारी मेरी एक तो सेट हो चुकी है, दूसरी फिर करूँगी कभी, क्योंकि एकदम से इकट्ठा करेंगे तो फिर थकावट ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब से बीमार हुई तब से मैंने अलमारियाँ सेट की ही नहीं है, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो सेट करनी ही होती है। तो कपड़े तह लगाने के बाद अलमारी खाली खाली लग रही है और पहले यही इन्हीं कपड़ों से काफ़ी भरी हुई लग रही थी। तो अच्छी तरह से सेट करने के बाद कपड़े अलमारी में काफ़ी जगह बच जाती है। तो चलो एक अलमारी तो हो चुकी है, दूसरी अलमारी फिर किसी दिन करेंगे, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो शाम के 4 बज चुके हैं, चाय पीने का टाइम हो रहा है, तो बड़े वाला बेटा चाय बना रहा है। तो इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।